वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मल्टी सिम अपने लैपटॉप या फिर अपने कंप्यूटर में आप किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे आ जाना है और मैं यहाँ पे सिंपली सर्च करूँगा मल्टी सिम 14। तो यहाँ पे मैंने सर्च कर दिया मल्टी सिम 14। अब हम उस पर क्लिक करेंगे। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबसे पहली वाली लिंक पे आपको क्लिक कर देना है। तो मैंने यहाँ पे पहले वाली लिंक पे क्लिक कर दिया और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड के बटन पे आपको क्लिक करना है। तो सिंपली मैं डाउनलोड के बटन पे क्लिक कर दे रहा हूँ। डाउनलोड बटन पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको नीचे में कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सर्वे के 6 क्वेश्चंस आपको यहाँ पे दे रखे हैं। आपको यहाँ पे सिर्फ जो भी आपको ऑप्शंस यहाँ पे दे रखे हैं वो किसी भी ऑप्शन पे आप टिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करते जाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैंने 6 क्वेश्चंस को टिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया है। मैं यहाँ पे सिंपली डाउनलोड पे यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। सो गाइस, आप जैसे ही यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करते हैं, आपके कंप्यूटर स्क्रीन के बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगा और हमें थोड़ा सा वेट कर लेना है जब तक कि ये डाउनलोड हो जाए। सो फ्रेंड्स, फाइल हमारा डाउनलोड हो चुका है, तो सिंपली हम अब इसे ओपन करेंगे। ओपन पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक कर देना है। अब आपको अपने दिस पीसी में जाना है और वहाँ पे आपको वहाँ पे अपने लोकल डिस्क पे क्लिक कर देना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, अपने माउस के राइट साइड क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। न्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से फोल्डर आप क्रिएट कर लेना है। न्यू फोल्डर आपको यहाँ से क्रिएट कर लेना है। तो यहाँ पे सिंपली इसे हम इरेज करके और हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टी सिम। देन यहाँ पे आपको इसे मैक्सिमाइज कर देना है। देन आपको यहाँ पे अपने मल्टी सिम फोल्डर को ओपन कर लेना है और ओपन करने के बाद और आपको यहाँ से मल्टी सिम एड्रेस को यहाँ से कॉपी कर लेना है और मैक्सिमाइज करने के बाद आपको यहाँ से और आपको यहाँ पे अनजिप्ड फोल्डर में जो भी लिखा हुआ है उसको आपको यहाँ से इरेज कर देना है। और इरेज करने के बाद आपको सिंपली जो भी आपने एड्रेस कॉपी किया था उसे यहाँ पे आप पेस्ट करके सिंपली आप आपको यहाँ से सिंपली ओके पे क्लिक कर देना है। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको यहाँ पे सिंपली इंस्टॉल NI सर्किट डिज़ाइन पे क्लिक कर देना है। तो सिंपली मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया और जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे और तो फ्रेंड्स, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा पहले से नेम लिखा हुआ है, तो आप अपना नेम लिख सकते हैं यहाँ पे। और आपको यहाँ पे सीधे नीचे में इंस्टॉल दिस प्रोडक्ट फॉर इवोल्यूशन पे आपको यहाँ पे मार्क करके फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको फिर से नेक्स्ट करना है। देन यहाँ पे भी आपको फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है और फिर से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, थोड़ा सा वेट करना है। देन आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे आई एक्सेप्ट द अबोव टू लाइसेंस एग्रीमेंट्स, आपको वहाँ पे डॉट पे क्लिक करना है और देन फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन फिर से आपको यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे 5 to 10 मिनट्स आपको यहाँ पे वेट करना होगा जब तक कि यहाँ पे प्रोग्रेस में हमारा 100% कम्प्लीट नहीं हो जाता। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे कुछ देर वेट करना है जब तक कि हमारा 100% कम्प्लीट नहीं हो जाता। यहाँ पे आपको कैंसिल पे क्लिक कर देना है। देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। देन क्लिक ऑन नो। देन क्लिक ऑन रीस्टार्ट लेटर एंड देन मिनिमाइज द टैब। गो टू योर सर्च बार एंड टाइप मल्टी सिम 14.0।
एंड क्लिक ऑन लॉन्च मल्टी सिम एंड क्लिक ऑन नो। सो वेट ए फ्यू मिनट। सो थैंक यू फ्रेंड्स।